नमस्कार, मैं हूं हिमा कनौजिया और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बढ़ते हैं फरीदाबाद की पहली खबर की तरफ। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बीके में मरीजों का तांता लगा हुआ है। ज्यादातर मरीज चिकनगुनिया, डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित दिख रहे हैं। वहीं अस्पताल में सुविधा के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखाया जा रहा है। जिले के सबसे बड़े अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में एक एक बेड पर चार चार मरीज लेटे हुए हैं। अस्पताल के प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने कहा कि अस्पताल में कुछ ज़्यादा मरीज आ रहे हैं और हमारे पास इतने ज़्यादा बेड नहीं है और ना ही अस्पताल में ज़्यादा बेड डालने की जगह है। वहीं पीएमओ ने कहा मात्र 16 नर्सों में अस्पताल नहीं चलाया जा सकता। मैं आधार मानव सेवा संस्था से काम करता हूँ और विकलांगों के लिए काम करता हूँ, बट मैं आज किसी पेशेंट को लेके आया था और डॉक्टर के पास जाने के बाद करीबन एक इंजेक्शन लगाने के लिए 15 मिनट तक कभी इधर कभी उधर किसी ने सही सलाह नहीं दी, प्लस किसी ने उसको 15 मिनट तक इंजेक्शन नहीं लगाया। फाइनली जब मैंने वीडियो शूट किया था तो यहाँ के सारे इकट्ठा हो गए, वो कह रहे थे कि वीडियो शूट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा ये चीज़ मैं मीडिया को दूंगा। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहता है कि इसका एक इलाज यहाँ पे नहीं है, इसको रेफर कर दिया। किस डॉक्टर ने कहा? वो जो अंदर डॉक्टर है, डॉक्टर का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल है। हमने पेशेंट को चेक किया, इनको रेफर कर दिया सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। फिर उसके बाद अभी इंजेक्शन लगा कि इनको लेके जाना था जल्दी, तो ना तो इंजेक्शन 15 मिनट लगा, ना ही इधर उधर हम डोलते रहे बस, जबकि मेरा पेशेंट से कोई रिलेशन नहीं है। देखिए, इस बार बारिश ज़्यादा होने की वजह से डेंगू, सस्पेक्टेड डेंगू जिसको कहना चाहिए, मलेरिया या सस्पेक्टेड चिकनगुनिया या जिसको कहूँ वायरल आर्थराइटिस के पेशेंट काफ़ी आ रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि चार चार पांच पांच पेशेंट तो पॉसिबल नहीं है, दो डबलिंग जरूर है बहुत सी जगह पे वार्ड में, लेकिन उसकी एक मजबूरी है, हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल होने के नाते हम किसी को एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें मरीजों को एक पे दो बेड पे जिस पे है तो एक बेड पे दो पेशेंट करने पड़ सकते हैं। मरीजों से भी हम कोऑपरेट करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि जिसको भी थोड़ा बहुत सुधार हो उसको जल्दी डिस्चार्ज करने की कोशिश करें, उनसे रिक्वेस्ट करी जाती है ताकि आने वाले ज्यादा सीरियस मरीजों के इस बारे में हम मदद कर सके और उनको इलाज दे सके। सर, क्या इस पर भी कोई ध्यान गया है कि जैसे आप कह रहे हैं दो, मैंने भी देखा है कि चार चार या पांच पांच पेशेंट की, देखिए डेफिनेटली ऐसा तो होता है, उसको व्यवस्था को सुधारने को लेकर क्या कदम उठाएंगे? देखिए ऐसा है, इमरजेंसी में इस वक्त अचानक शाम के वक्त जैसे आज आपने जो बात कर रहे होंगे उसमें ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिनका एडमिशन और फाइल बने उनको वार्ड में सिस्टम से बाद में डिस्चार्ज करके जो पहले वार्ड के पेशेंट है उसके बाद उनको शिफ्ट किया जाता है, इसलिए एक टाइम पे ऐसा हो सकता है कि ड्यूटी शिफ्टिंग के टाइम पे आपको ऐसा लगाओ, अन्यथा इतना तो हमें करना पड़ेगा। देखिए स्पेस जितना उसमें उतने बेड लग सकते हैं।